नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे अगेती कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सामने बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि खेतीबाड़ी से जुड़े रिलेटेड वीडियो हमेशा हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुरेश सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका खेत किसान में। आज हम पहुँचे हैं भीसरी गाँव में, जहाँ पर यूपी से कुछ भाई साहब ज़मीन रेंट पर रहकर यहाँ पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं और अगेती फसल के रूप में इन्होंने टिंडा लगाया है। ये देखिए आप, घिया भी लगाई है और टिंडा इनका शायद शुरू भी हो रहा है। ये देखिए आप, दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, फ्लोरिंग दिख फल भी दिख रहा होगा आपको। ये देखिए कब लगाया था, किस तरह से लगाया है इन्होंने, चलिए बात करते हैं इनसे एक बार। बताएं। हाँ अंकल जी, कब तक लगाया था ये आपने? जैसे हमने इसको लगाया 15 अक्टूबर से इसका शुरू किया हमने धोरा बनवाना। अच्छा अच्छा। फिर इसकी 3 फुट गहरी नाड़ी बनवाई। अच्छा, जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पे 3 फुट, ये घिया लगा रखी है यहाँ पे है। हाँ जी, घिया है ये। अच्छा अच्छा। 3 फुट गहरी एक इसकी नाड़ी बनवाई। अच्छा अच्छा। उसमें गोबर खाद डाला, यूरिया डाला, DAP डाला, पोटाश डाला। अच्छा अच्छा। फिर उसको गुदाई करवा दी 1 फुट करीब। नाली किससे बनाई, हाथ से या ट्रैक्टर से? नाली ट्रैक्टर से बनाई, मशीन आती है। अच्छा, मशीन आती है इसकी। हाँ। अच्छा अच्छा। उसके बाद में उसको बनवा के गुदाई करा के और उसमें बीज लगा दिए। अच्छा अच्छा। बीज लगाने के बाद ठंड के बचाने के लिए ये आप देख, ये पन्नी लगाई है। ये पन्नी है, ये प्लास्टिक की पन्नी। और ये किस वजह से लगाई गई है? सर्दी से बचाने के लिए। हाँ जी, ये सर्दी से बचाने के लिए, इससे थोड़ी हीट भी मिलती है पौधे को। हाँ हाँ। और ये पन्नी है जो ये तो कुंचा होता है उसकी पन्नी है, है ना? कुंचा है। हाँ हाँ हाँ। ये जो अपने, तो ये बाहर से मंगवाना पड़ा होगा या यहीं से अरेंज कर लिया? कामठ साइड। अच्छा अच्छा। ये कामठ साइड से मंगाया। फिर क्या है कि दोबारा मुझे पौधा हो गया 1.5 महीने का, तो जो बाकी जगह 1.5 फुट बचती है साइड में, साइड में बचती है, उसमें फिर खाद और यूरिया वगैरह डालते हैं, DAP वगैरह। उसके तो खाद मतलब साइड में देते हो आप? साइड में, साइड में। मतलब दर्शकों को हम बताएं कि आप यहाँ, जैसे ये पेड़ है तो यहाँ पे खाद डालते हैं आप? यहाँ पे 3 फुट का जो खाड़ा है ना, 3.5 फुट तो पहले खाद दे दिया पौधा बोने से पहले, बाकी बचा 1.5 फुट जब पौधा हो जाता है 1.5 महीने का, उसमें खाद दे देते हैं। खाद दे दिया, फिर जैसे पौधा बढ़ता है धीरे धीरे, आप मिट्टी देख रहे हो, मिट्टी इसको अंदर कर देते हैं। अच्छा अच्छा। और ये ड्रिप पड़ी है, ये इसके पानी लगाने का सिस्टम है। ये ड्रिप पड़ी है, ये बूंद वाली ड्रिप है, इसमें जरूरत के हिसाब से। ये देखिए दोस्तों, ग्रीनलेस भी अच्छा है और सर्दी का कहीं कोई असर नहीं दिख रहा, क्योंकि ऊपर पन्नी लगाई गई है और एक दूसरी पन्नी यहाँ पे ये लगा दी है। ये देखिए स्टार्ट भी हो गई है इसमें फल वगैरह, फ्रूट सेटिंग देखिए, एकदम बढ़िया सेटिंग हो रही है फ्रूट्स की। ये देखिए यहाँ पे, ये 18 नवंबर को हमने इसको बो दिया था। अच्छा, अब ये 5-7-10 दिन में शायद तैयार हो जाए, चालू हो जाएगी। मौसम जैसे, मौसम के हिसाब से, जैसे कम से कम 20-22 टेम्परेचर रात का होना चाहिए 20, फिर इसको ये तैयार हो जाएगी। ये करेला, अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये गड्ढा किया हुआ है इन्होंने और यहाँ ऊपर ये यहाँ पे पेड़ है करेले का और यहाँ पे ये इन्होंने साइड में खाद डाली है। बताइए अंकल, किस तरह से क्या डालते हो आप? ये 3 फुट का नाला पहले बना लिया गहरा, 3 फुट का नाला बना के 1.5 फुट फौड़ी से गुदाई करी हुई है, खाद DAP पोटास वगैरह डाल के, जब 1.5 फुट में गुदाई करके उसको बराबर करके और ये पौधा लगा दिया। अब पौधा लगाने के बाद में, अब ये पौधा हो गया है करीब 1.5 महीने का। अब ये खाद हमने फिर दोबारा डाली साइड में, जो बाकी जगह बची 1.5 फुट उसमें ये खाद डाल रखी है, इसमें अब यूरिया वगैरह डाल के। अब इसको फावड़े से पलटी मारोगे इस खाद को? हाँ, फावड़े से फिर इसकी पलटी हो जाएगी करीब 1 फुट गहरी। अब इसको ये फावड़े से पलटी हो गई, फिर ये जो, अब ये देखिए दोस्तों, क्योंकि टिंडा सर्दियों में भी, अभी देख लीजिए आप, जनवरी चल रही है, शुरू हो गया है। ये देखिए आप, एक बार तुड़ाई, बहुत ही बढ़िया फ्रूट सेटिंग हो रही है। एक बार एक तुड़ाई हो गई इसकी है। हाँ जी, एक बार तुड़ाई भी हो गई है। थोड़ा बर्फ ने, अभी थोड़ा बर्फ ज़्यादा पड़ रहा है 2-4 दिन से, 2-3 दिन में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद।